सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम वंस अगेन टू राहुल रमोला व्लॉग्स। एंड आज है ट्यूजडे 26th of September। एंड नेक्स्ट ट्रिप का प्लान हो गया है, अभी हम इस मंथ एंड में जाएंगे जयपुर, और जयपुर कंप्लीट करने के बाद बालाजी टेंपल के साइड में भी जा सकते हैं, नॉट श्योर बट हाँ जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग आ जाएगा। एंड आज अभी मैं सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मतलब जा रहा हूँ ऑफिस की ओर। मैंने घर से ब्लॉग नहीं शुरू किया, क्या हुआ ना, मतलब मैंने सुबह तैयार हुआ घर से, मतलब आया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया रास्ते में, बट टाइम मतलब सोचा नहीं कि आज ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो याद आया कि हमारा जैसे ही डेस्टिनेशन फिक्स हो गया कि जयपुर जाना है, तो वो हमारा फिक्स हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार बता ही दूं। तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ट्रैफिक डेली की तरह लगा पड़ा है, तो अभी मतलब ऑफिस पहुंच के बात करते हैं। सो गाइस, मैं अभी आया हूँ अमेज़न के ऑफिस में, AWS के ऑफिस में, एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ जिनसे मुझे मिलने जाना है, तो कॉन्फ्रेंस रूम में वो मीटिंग होगी। तो ऑलराइट गाइस, मीटिंग ख़त्म हो गई है, तो अभी जो आसपास ये एम्बियंस मॉल के बगल वाली बिल्डिंग है, तो वो ये है डाउनटाउन। सो यहाँ मेरी मीटिंग थी आज। ऑलराइट गाइस, सो इस बार की तरह दिव्यांशु भाई फिर से हमारे साथ हैं। द मीटिंग इज क्वाइट गुड एंड इट विल बी प्रोडक्टिव इन फ्यूचर। तो भाई बहुत हेल्प करते हैं मेरी, जब भी मेरे को कहीं स्टक हो जाता हूँ तो यही है जो हर बार बचा लेता है। तो फाइनली बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस है इनसाइड सेल से। सो गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये रहा सामने एम्बियंस मॉल एंड ये है मेन रोड शंकर चौक करो, और इधर जो हमारी आज AWS के ऑफिस में हम गए थे। तो अभी पार्किंग से निकलते हैं और ऑफिस चलते हैं। तो आज का दिन अभी तक कुछ ऐसा ही रहा है, ऑफिस सुबह मतलब 10 बजे से ऑफिस था, उसके बाद मेरी AWS के ऑफिस में मीटिंग थी, तो वो 2 बजे के आसपास हम लंच टाइम के बाद गए थे वहाँ पे, तो कुछ 1.5 घंटे की मीटिंग रही है वहाँ पे। एंड क्योंकि हमारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है फॉर AWS, तो उसके लिए थोड़ा सा काम था। सो अभी चलते हैं घर के लिए, सेम वही रूटीन है, सेम वही ट्रैफिक स्ट्रगल जो हमारा शाम को ट्रैफिक में रहता है। अब घर पहुंचेंगे, उसके बाद डिनर होगा, उसके बाद सिमिलर हमारा रूटीन रहता है। बट ब्लॉग बनाने का मोटिव ये था कि अभी हमारा नेक्स्ट प्लान हो गया है कि ट्रैवल का प्लान मैंने कर लिया है, तो नेक्स्ट ट्रैवल प्लान जयपुर के लिए है गाइस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड फॉर जयपुर ब्लॉग, एंड जयपुर के बाद हम करेंगे श्री सालासर बालाजी ब्लॉग्स। तो ये इस मंथ के एंड में 1-2 तारीख को आसपास हो जाएगा, मतलब 30 तारीख को जयपुर हो जाएगा, 1-2 तारीख को सालासर बालाजी हो जाएगा, उसके बाद हम 2 तारीख को शायद रिटर्न भी आ सकते हैं। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं घर, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, फाइनली पहुंच गया मैं घर पे, और चलते हैं यार बैग वैग लेके। तो काफ़ी ट्रैफिक था, अभी 8:30 से ऊपर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, तो लेट हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी चलेंगे डिनर विनर बनाते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। चलो जी, तो गाड़ी बाहर हमारी पार्क होती है। सो गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, एंड आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, काफ़ी शॉर्ट ब्लॉग मैंने बनाने की कोशिश करी ताकि आप ज़्यादा बोर ना कर सकूं। मोटिव ये था कि मैं आपको नेक्स्ट ट्रिप की अपडेट दे दूं, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स ज़्यादा बनाता हूं, डेली ब्लॉग्स में मेरे को मज़ा भी नहीं आ रहा, ना ही आपको आएगा। अभी हमारी ऐसा कुछ खास है नहीं करने को, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट इस मंथ एंड में मतलब जयपुर का ट्रिप होने वाला है, एंड जयपुर के ट्रिप के साथ साथ हम कुछ और भी प्लान करेंगे साथ में, आसपास के जो भी प्लेसेस हम कवर कर सकते हैं वो भी साथ साथ हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए गाइस, जो मेरे चैनल पे
मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप ऑलरेडी चैनल को देखते रहे तो मतलब चैनल में आपने ऑलरेडी वीडियोस देखी हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट ट्रेवल ब्लॉग को मिस मत करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग राहुल रोमला ब्लॉग्स।